जैसे कि दोस्तों आपने टॉपिक देख लिया, तो आज हम इससे बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चंस जो भी हैं पेंटर जनरल के हैं और एनसीईआरटी के हैं ये दोनों, और ये क्वेश्चन दोस्तों थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो दोस्तों एक एक वर्ड एंड टू वर्ड्स में आप इनके आंसर होंगे। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता है दोस्तों ये क्वेश्चन मैं लाया हूँ। और दोस्तों ये जो बुक है दोस्तों हेल्पिंग हैंड, जिस तो हेल्पिंग हैंड बुक में, उसमें दोस्तों हिंदी में क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन थोड़ी बहुत, जैसे कि दोस्तों आपके एमसीक्यू कोई भी दोस्तों आपके कोई भी एमसीक्यू आता क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके, दोस्तों उसमें क्या होगा दोस्तों कि दोस्तों जो भी आपको क्वेश्चन डाउट होगा उस डाउट को दोस्तों आप थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन से आप क्लियर कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये आपकी अच्छी एक एडवांस नॉलेज होगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जैसे भी एग्ज़ाम होता है जून जुलाई में, ये सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। काफ़ी ज़्यादा पेंटर जनरल ऐसी ट्रेड है, टेक्निकल ट्रेड है, उसमें काफ़ी डीपली क्वेश्चन आते हैं। और मैंने हिंदी में जो बुक के एक नोट्स टाइप मैंने हेल्पिंग एंड मैंने तैयार कर लिया, इंग्लिश में दोस्तों वो काफ़ी पहले भी थी, एक साल पहले से है तैयार है, बट दोस्तों हिंदी में मैंने अब किए लॉकडाउन में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जैसे ही मैं वीडियो जैसे ही मैं डालता हूँ, ठीक है दोस्तों, जिस भाई को परचेज करनी हो तो दोस्तों वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है। और दोस्तों टेलीग्राम एक ऐप है, टेलीग्राम एक बहुत अच्छा ऐप है, तो दोस्तों वो ऐप दोस्तों है कि उस पर दोस्तों आपको वीडियोज़ की लिंक्स वगैरह, और दोस्तों उस पर आप डिस्कस वगैरह कर सकते हो। तो उसका जो लिंक है टेलीग्राम ऐप का, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। ठीक है, ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सअप ग्रुप अगर ज्वाइन करना हो तो मुझे मैसेज कर देना मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों आप मुझे कर देना। ठीक है दोस्तों, तो और दोस्तों एक बहुत जो स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, मैं स्टेप बाय स्टेप मैं क्वेश्चन जो भी दोस्तों बताऊँगा। तो दोस्तों आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें वीडियो को, काफ़ी मेहनत लगती है दोस्तों वीडियो बनाने में काफ़ी। ठीक है दोस्तों, तो लाइक करें तो मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन देखते हैं, इसके दोस्तों ओल्ड क्वेश्चन देखने हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा और टेलीग्राम ऐप पर आपको मिल जाएगा ऑलरेडी क्वेश्चन। तो देखते हैं ये 28 क्वेश्चन देखते हैं। विस्कुट फिटी कप में लगभग कितना मिली पेंट होता है, मिलीमीटर पेंट होता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर 100 है, 100 मिलीमीटर। ठीक है दोस्तों, और DFT क्या होता है दोस्तों? DFT क्या है? तो डाई फिल्म थिकनेस कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि लिखा पड़ा है। ठीक है, और ये हिंदी में दोस्तों, अगर इसकी इंग्लिश देखनी हो वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और स्टॉविंग इनेबल विस्कोसिटी स्प्रे पेंटिंग में कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 22 सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब एनसी पुट्टी का माध्यम कौन सा होता है? तो एनसी थिनरी होता है दोस्तों, जो एनसी पुट्टी, अगर एनसी पुट्टी हो और तो एनसी थिनरी वो करते हैं, प्रयोग करते हैं, और एनसी पेंट हो तो एनसी मैक्सिमम। दोस्तों इसका मेल जो भी है, एक जो मटेरियल होता है पेंट मटेरियल, उसमें दोस्तों अगर उसी क्वालिटी का आप डालते हो तो बेस्ट आपको फिनिशिंग देगा और अच्छी क्वालिटी का वो होगा, और अच्छा वो आपका जो वर्क है दोस्तों काफ़ी अच्छा होगा और फिनिशिंग भी अच्छी देगा वो, और काफ़ी समय तक आपका वो पेंट टिकाव रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरीन पेंट का उपयोग किसमें किया जाता है? मरीन दोस्तों, मरीन से नाम से जैसे जाहिर है, मरीन एक मरीन जो जहाज पेंट करने के लिए होता है, जैसे मरीन कोटिंग वगैरह हो गई, तो एक कोटिंग ऐसी होती है दोस्तों ईपीए जो होता है दोस्तों, ईपीए को दोस्तों कंट्रोल करता है, उस पर दोस्तों मरीन कोटिंग की जाती है। क्योंकि दोस्तों ईपीए क्या है, ईपीए मैंने पहले ही वीडियो में मैंने बता चुका हूँ इसके बारे में। ईपीए होता है दोस्तों एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी होती है, जो दोस्तों ईपीए पे जो भी हमारे इन्वायरमेंट रूल जो भी इफेक्ट पड़ता है, जैसे कोई भी वस्तु आपके छत पर रखी हो, कोई भी वस्तु आपके पानी में रखी हो, तो एक इन्वायरमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, जो कॉरोशन वगैरह जंग वगैरह उस पर काफ़ी असर डालते हैं, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों ईपीए एक संस्था होती है, ईपीए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, तो दोस्तों इस चीज़ को कंट्रोल करती है, जो ISO मार्क ये देती है। तो इसीलिए दोस्तों मरीन कोटिंग होता है, एक दोस्तों BIS मार्क अप्रूव्ड ये कोटिंग की जाती है, जिसका दोस्तों समुद्र के जहाज होते हैं उस पर पेंट कभी ना छूटे और उनको सुरक्षित प्रदान करें। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करें, इसलिए होता है दोस्तों ये। तो काफ़ी डीपली इंफॉर्मेशन है दोस्तों ये सब, तो जो भी मैं वीडियो लाता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। और तो वीडियो को शेयर करें दोस्तों अपने दोस्तों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्प्रे पेंटिंग के दौरान सुरक्षा के तौर पर किस साधन का उपयोग होता है? तो स्प्रेइंग मास्क का होता है। ठीक है, स्केच हार्डनेस टेक्सचर का उपयोग किस लिए होता है? तो पेंट का हार्डनेस जांचने के लिए होता है। ठीक है दोस्तों, और 35 देखते हैं। पिगमेंट बाइंडर सॉल्वेंट क्या होता है? एक पेंट के घटक होते हैं। ठीक है, पेंट की विस्कोसिटी किसमें नापी जाती है? जैसे सेकंड में नापी जाती है। ठीक है दोस्तों,
ठीक है दोस्तों। और फिल्म केक होना, ग्लॉस कम होना, इन दोषों का कारण क्या होता है? ओवर बेकिंग होता है दोस्तों, ठीक है। ये डिफेक्ट्स से क्वेश्चन दोस्तों, पेंट ऑफ डिफेक्ट्स जिसे कहते हैं, ठीक है। और छोटा कर देता हूँ थोड़ा मैं। और 38 देखते हैं, ज़्यादा विस्कोसिटी और कम एयर प्रेशर होने पर कौन सा सर डिफेक्ट आता है? रस्सी मन कहता है ऑरेंज पीला आता है। ज़्यादा विस्कोसिटी, ठीक है, विस्कोसिटी अगर ज़्यादा, तरलता उसकी ज़्यादा है, ठीक है, और कम एयर है, प्रेशर एयर का कम होता है, ठीक है, और इसमें कौन सा पेंट डिफेक्ट होगा? तो ऑरेंज पील होगा। तो दोस्तों ऑरेंज पील एक ऐसा होता है जैसे संतरे के छिलके जैसा, मतलब कि मानो कि कहीं कहीं पेंट लगा, और मतलब कि हल्का हल्का पेंट लगा, ऑरेंज पील आप देख लेना, ठीक है। और फ्लैश ऑफ कम होने पर क्या होता है? तो दोस्तों पिन होल या पेंट का डिफेक्ट आता है, ठीक है दोस्तों। स्टॉबिंग, स्टॉबिंग पेंट के लिए भट्टी का तापमान कितना होना चाहिए? स्टॉबिंग पेंट होता है दोस्तों, इसका 120 से 180, ठीक है दोस्तों, डिग्री होना चाहिए सेल्सियस डिग्री। कंपनी में कंप्रेस एयर पाइप किस रंग की होती है? तो नीला होता है दोस्तों, कंप्रेस एयर जो पाइप होता है उसका नीला रंग होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं रंग पहने का क्या कारण होता है? विस्कोसिटी कम होना, ठीक है दोस्तों। जैसे विस्कोसिटी कम होगी तो वो एक पतले पानी की तरह बहेगा। पेंटिंग वर्कशॉप में फ्लो ब्लो लैंप का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पुराना रंग जलाकर हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है। जिंक क्रोमेटियन येलो प्राइमर किसी पर लगाते हैं? तो जीआई गैल्वनाइज सीट पर लगाते हैं, ठीक है, तो जीआई भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। पीयू कोट किसे कहते हैं? तो पॉलीयुरेथेन कोट होता है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन में भी 200 सिलेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। पेंट का चमकीलापन किससे नापा जाता है? तो दोस्तों ये तो इसका है एडहेसिव जिसे कहते हैं, रेशीलापन, चमकीलापन, ठीक है। और ग्लोसोमीटर से होता है, ठीक है दोस्तों। सीईडी पेंट पतला करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दोस्तों सर डीएम डिस्टल माइजेलाइजिट्स वाटर, ठीक है। किस पेंटिंग में थिनर का इस्तेमाल नहीं किया जाता? पाउडर कोटिंग में दोस्तों थिनर का इस्तेमाल नहीं किया जाता पाउडर कोटिंग में। मैन पाउडर कोटिंग में दोस्तों मेन जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो दोस्तों रखता है एयर, एयर प्रेशर जो होता है, एयर सबसे मेन चीज़ है इसमें। फ्लोडाइजिंग जो होती है सबसे मेन चीज़ होता है इसमें। फ्लोडाइजिंग का मतलब है दोस्तों पाउडर आप ये जो होता है दोस्तों एक बॉक्स टाइप का होता है या कोई डिब्बा टाइप का ले लो आप, उसमें जो पाउडर होता है वो दोस्तों जैसे कि ये जो मैंने एक डायग्राम बना देता हूँ मैं, जैसे कि दोस्तों इसमें एक पाउडर है, ठीक है दोस्तों। और पाउडर दोस्तों होने पे यहाँ से जो दोस्तों एक छोटे छोटे से छेद होते हैं जिसमें दोस्तों फ्लोडाइजिंग की हवा जाती है, और हवा जाने से दोस्तों एक पाउडर एक तरल रूप ले लेता है जो दोस्तों एक समझ लो कि एक बहुत जैसे कि पतला जैसे कि एक पानी की तरह रूप, मतलब कि एक अपना जो पाउडर होता है पानी की तरह हो जाता है। और पाउडर जो एयर जो होता है दोस्तों उसके द्वारा से पाउडर कोटिंग और इलेक्ट्रोस्टेटिक विधि से दोस्तों जो कैथोड और एनोड की जो साइंस है उसके द्वारा अफेक्ट करके दोस्तों वो पाउडर कोटिंग भी अफेक्ट करता है, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो होता है उसके द्वारा पाउडर कोटिंग की जाती है, ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट देखते हैं खतरा दिखाने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? लाल, रेड, ठीक है। ये अंश पेंटिंग करते समय ब्रश किस एंगल में पकड़ना चाहिए? 60 डिग्री में दोस्तों, ठीक है। और क्लोरोनेटेड अल्काइड अमीनो और पॉलीयुरेथेन किसके प्रकार हैं? तो रंजन के प्रकार हैं दोस्तों। डीको पेंट किससे लगाया जाता है? स्प्रे गन से। डीको पेंट एक बहुत ही डीको पेंट आजकल दोस्तों गाड़ी वगैरह भी मिल जाएगा आपको तो, ठीक है। ये पेंट उन पर किया जाता है। तो हवा में पेंट सुखाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ड्रायर का, ठीक है। और यू डी लेकर स्प्रे के लिए कितनी विस्कोसिटी जरूरी है? तो 25 से 60 सेकंड, ठीक है। पिगमेंट के मुख्य कार्य कौन सा है? तो इसका आंसर सरफेस ढकना, ठीक है। और स्प्रे पेंटिंग के समय गन का एक टिगर दबाने के बाद पहले क्या निकलता है? हवा निकलती है स्प्रे पेंटिंग, जैसे कि मैंने कहा था दोस्तों स्प्रे पेंटिंग, ठीक है। और विस्कोसिटी
स्कोसिटी कप के निचले छिद्र का व्यास कितना होता है? तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं 4 ± ठीक है, और 0.005 mm ठीक है। और एपॉक्सी पेंट में किस माध्यम का उपयोग होता है? तो एपॉक्सी थीन का होता है दोस्तों। स्टॉबिंग पेंट के लिए फ्लैश ऑफ कितने मिनट का होता है? 5 से 7 मिनट का होता है फ्लैश ऑफ। हाँ दोस्तों, फ्लैश ऑफ का मतलब मैं बता दूं आपको, स्टॉबिंग पेंट के लिए फ्लैश ऑफ। तो फ्लैश ऑफ एक, जैसे कि हम पाउडर कोटिंग करते हैं तो फ्लैश ऑफ करने की एक होती है। तो दोस्तों साफ़ भी कर सकते हैं उससे दोस्तों, जो पेस्ट होता है, और साफ़ करने की एक प्रक्रिया होती है, फ्लैश ऑफ भी कहते हैं उसे, ठीक है। पुट्टी नाइफ किस धातु से बनाया जाता है? स्प्रिंग स्टील से बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आज मैंने 60 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है दोस्तों। अगली जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 60 से आगे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है दोस्तों। दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन देखने, वो उनका वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और मैं एक लास्ट इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको कि जिसको भी बुक चाहिए तो मुझे वो मतलब ऑर्डर कर सकता है। जैसे ही यहाँ पर लॉकडाउन जो भी कुछ सिस्टम चालू होगा तो वो पोस्ट की जाएगी स्पीड पोस्ट के द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू।